गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास के अंतर्गत अध्याय 2 भारत के नवीन राजा का राज्य समय है 700 से 1200 ईस्वी के मध्य का। अब हर्षवर्धन का शासन था 646 से 647 का। हर्षवर्धन जो राजा का शासन था उसका शासन कितना था? 606 से 647 का। इसकी राजधानी थी कनौज, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कनौज स्थान का है उत्तर प्रदेश में। एक और राजधानी थी थानेश्वर है हरियाणा में। तो हर्षवर्धन मुख्य स्थान उनके शुरुआत थानेश्वर से और बाद में राजधानी बनाता है कनौज। थानेश्वर तो है हरियाणा में और कनौज है उत्तर प्रदेश में। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो जो इनके नीचे सामंत थे, जो हर्षवर्धन के सामंत थे, उन्होंने इसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे क्या किया? अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो भारत में उस समय 3 राज्य सामने आए थे। पास कितने आए? 700 से 12 शताब्दी के मध्य राजपूत युग कहलाता है। इस समय को क्या कहते हैं? राजपूत युग कहा जाता है, क्योंकि राजपूत युग राजपूत राजाओं ने शासन किया, इसलिए इस युग को नाम ही क्या दे दिया? राजपूत युग दे दिया। 700 से 1200 शताब्दी के मध्य 3 वंश सामने आए, गुर्जर प्रतिहार। दूसरा आया अपने पास राजपूत। तीसरा आया अपने पास पाल वंश। ये 3 वंश थे जो शक्तिशाली थे, जिन्होंने आपस में कनौज को लेकर, कनौज एक संपन्न क्षेत्र का, उपजाऊ क्षेत्र का, इसलिए इस पर सभी अधिकार करना चाहते थे। गुर्जर प्रतिहार भी कनौज पर अधिकार करना चाहते थे और राजपूत भी कनौज पर अधिकार करना चाहते थे और पाल भी कनौज पर अधिकार करना चाहते थे। इनके मध्य बार बार कनौज को लेकर संघर्ष हुआ। तो सबसे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था। एक बार आप फिर समझिए गुर्जर प्रतिहार के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार इस वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। गुर्जर प्रतिहार गुर्जर वंश से है। प्रतिहार किस वंश से है? गुर्जर वंश से है, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। हूण एक जाति है। हूण क्या है? लड़ाकू जाति थी जो भारत के बाहर से आए थे। बार बार भारत पर क्या करते थे? हूण जाति के जो शासक थे वो आक्रमण करते थे और भारत के जो मंदिर थे उनका खजाना लूट ले जाते थे। बाहर के जो भी आक्रमणकारी आए, गज ने भी आया, हूण है, इन्होंने क्या किया? यहाँ के मंदिरों को लूटने का, तोड़ने का कार्य किया। तो हूणों के बाद पहला शासक आया गुर्जर प्रतिहार में लाल भट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार का शासन कितना है? 730 से लेकर 1818 तक। गुर्जर प्रतिहारों ने भारत पर कितने कब तक शासन किया? 730 से 1818 तक इन्होंने शासन किया। लाल भट्ट प्रथम शासक हैं।
गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने की 730 में नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। अरब सिंध ने पाकिस्तान में सिंध स्थान का है, पाकिस्तान में है वर्तमान में, सिंध में अरब मुसलमान, अरब मुसलमान शासकों को इसने पराजित किया। नागभट्ट ने जो सिंध में अरब के मुसलमान शासन कर रहे थे उनको पराजित किया। सबसे पहले क्या किया नागभट्ट ने, सिंध स्थान पर अरब मुसलमान थे जो शासन कर रहे थे उनको पराजित किया और दक्षिण पश्चिम राजस्थान, जो दक्षिण पश्चिम दिशा का राजस्थान है, गुजरात, इन पर अपना राज्य स्थापित किया। सबसे पहले नागभट्ट ने सिंध के अरब मुसलमानों को पराजित किया, उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात पर अपना राज्य करने लगे। यहाँ से शुरुआत हुई इनके राज्य करने की। अब दूसरा शासक आता है वत्सराज। दूसरा शासक कौन आता है गुर्जर प्रतिहार वंश का? वत्सराज। वत्सराज ने क्या किया? कनौज पर अधिकार कर लिया। कनौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। जो कनौज था इसने दक्षिण पश्चिम राजस्थान और गुजरात पर क्या किया? शासन किया था। वत्सराज ने क्या किया? सिंध पर अधिकार कर लिया। कनौज पर अधिकार किसने किया? वत्सराज ने किया। तीसरा शासक आता है नागभट्ट देते। दूसरे नंबर का शासक आता है तीसरे नंबर का नागभट्ट देते। इसने कनौज को क्या बना दी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनाई। कनौज को राजधानी बनाई। राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या बना दी? राजधानी बनाई। अब नागभट्ट द्वितीय के बाद आता है मेहरगोज। कौन आता है? मेहरगोज। चार नंबर का शासक आता है मेहरगोज। मेहरगोज है जो क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, शक्तिशाली शासक था। ये जितने भी राजा हुए इनमें सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? मेहरगोज था। तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? आदि भुरा की। आदि भुरा की उपाधि धारण की। आदि भुरा की उपाधि धारण किसने की? मेहरगोज ने की। और बंगाल में पाल वंश का शासन था। बंगाल में किसका शासन था? पाल वंश के राजाओं का शासन था। पाल वंश ने क्या किया? पराजित किया। मेहरगोज ने शासक बनते ही आदि भुरा की उपाधि धारण करता है और बंगाल में जो पाल वंश थे उन शासकों को पराजित करके, बंगाल के शासक को पराजित करके बंगाल को अपने अधिकार में ले लेता है। अब बंगाल पर भी अधिकार हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो प्रतिहार का शासन कहाँ गया? पूर्व में बंगाल तक, इधर देखो पश्चिम में राजस्थान गुजरात तक है, गुजरात तक पश्चिम में गुजरात तक शासन हो गया, पूर्व में बंगाल तक हो गया। इसके बाद आता है पांच नंबर पर शासक महेंद्र पाल। क्या आता है?
महेंद्र पाल। मेहर भोज के बाद कौन आता है? महेंद्र पाल शासन करता है। अब महेंद्र पाल देखो क्या करता है, महेंद्रपाल के दरबार में एक कवि रहता था, उसका नाम था राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर। राजशेखर कवि था, वो संस्कृत भाषा में साहित्य लिखता था, ग्रंथ लिखता था। महेंद्रपाल है जो इसके शासनकाल में कौन सा दरबारी कवि था? राजशेखर, जिसने संस्कृत भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्य मीमांसा लिखा। काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ लिखा, जो संस्कृत भाषा का साहित्य ग्रंथ है, जो राजशेखर ने लिखा। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। ये थे आपके गुजरात प्रतिमा वंश के शासक। अब जो भी महेंद्रपाल के बाद में राजा बने, शासक बने, वह योग्य नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। महेंद्रपाल तक गुजर प्रतिहार का जो शासन था वो कहाँ से कहाँ तक देखता था? उत्तर में कहाँ था? हिमालय तक फैला हुआ था, हिमालय। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, विंध्याचल पर्वत तक। पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में गुजरात तक। तो गुर्जर प्रतिहार का जो शासन था, उनका जो क्षेत्र था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल और तो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक शासन किया ही है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन फैला हुआ था। अब जैसे ही इसके बाद महेंद्रपाल के बाद जो शासक आए, तो कन्नौज पर, कन्नौज पर उत्तर प्रदेश में कन्नौज 1018 में, कन्नौज पर 1018 में किसने आक्रमण कर दिया? गजनवी ने, मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर 1018 में क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। 1018 क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। यहाँ से ही गुर्जर प्रतिहार शासन समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन क्या हो गया? समाप्त, क्योंकि 730 से प्रारंभ होता है और 1018 तक इनका शासन चलता है। तो कन्नौज पर गजनवी ने आक्रमण करने से 1018 में क्या हुआ? अधिक शासन समाप्त हो गया। अब गजनवी को इसको लूट कर वापिस अपने देश चला गया। और इसके बाद कन्नौज में किसका अधिकार हो गया? राठौर वंश के, राजपूत राठौर थे, राठौरों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर केवल किसका अधिकार हुआ? राठौर वंश का अधिकार हो गया। तो ये तो थे आपके गुर्जर प्रतिहार, जो हमने अगली कक्षा में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद आता है पाल वंश। कौन सा वंश आता है? पाल वंश आता है। पाल वंश कौन सा वंश आता है? पाल वंश। पाल वंश का शासन था बंगाल दिया है, बंगाल वो दिया है। बंगाल दिया में पाल वंश का शासन था। जैसे ही यहाँ का पहले शासक था शमशान, शमशान
राज शासक था बंगाल का। सरसांग की मृत्यु होती है। सरसांग खान का शासक था, ये पाल वंश का नहीं था, दूसरे वंश का था। पाल वंश सरसांग की मृत्यु होती है और शासक बनता है पाल वंश का, प्रथम शासक बनता है 750 गोपाल। पाल वंश का शासन करते हैं 750 से 1120 तक इन्होंने शासन किया है। पाल वंश के जो राजा थे बंगाल और बिहार पर, इन्होंने शासन कर दिया 750 से 1120 तक। गोपाल पहला शासक कौन आता है? गोपाल आता है। गोपाल का शासन देखो कब से कब तक था। सरसांग की मृत्यु होती है और गोपाल किसका सामंत था? सरसांग का। सरसांग का सामंत था गोपाल। तो जो सामंत थे तो गोपाल को किसने शासन कराया? वहां की जनता ने, सामंत और जनता ने इसको बंगाल का शासक बनाया। जैसे सरसांग की मृत्यु होती है तो इस वंश का शासन तो खत्म हो जाता है बंगाल में। गोपाल का सामंत था तो गोपाल को सामंत और जनता ने शासक बनाया। तो पाल वंश की शुरुआत कहां से होती है? 750 में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इसलिए गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की जिसको प्रजा ने राजा बनाया, जिसने शासन किया 70 का। गोपाल को राजा किसने बनाया? जनता ने, सामंतों ने अपना राजा बनाया और बंगाल का नवाब शासक बनाया, जिसने शासन किया 750 से 70 तक, यानी 20 वर्ष शासन किया। 20 वर्ष शासन किसने किया? गोपाल ने किया। इसके बाद उसका पुत्र धर्मपाल है, धर्मपाल। गोपाल का पुत्र कौन है? धर्मपाल है। धर्मपाल का शासन है 770 से लेकर कब तक आए? 810 साल, यानी कितने वर्ष शासन किया? 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक शासन किसने किया? धर्मपाल ने किया। 20 वर्ष तो गोपाल ने किया। गोपाल को तो किसने राजा बनाया था? राजा ने, सामंतों ने, जनता ने बनाया। उसके बाद आता है धर्मपाल, गोपाल का पुत्र, जिसने शासन किया 770 से 810 तक, यानी लगभग 40 वर्ष तक इसने शासन किया। अब देखो इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बिहार में, जिसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की, बिहार में है। इसके बाद आया देवपाल, इसका पुत्र देवपाल। इसने उड़ीसा असम पर अधिकार कर लिया। अभी तक तो शासन कहाँ था? बंगाल बिहार तक ही सीमित था, पर देवपाल वाला शासक उसने उड़ीसा को असम पर भी अधिकार कर लिया। इनका राज्य कहाँ तक हो गया? बंगाल बिहार और उड़ीसा असम तक इनका राज्य फैल चुका था। इसके बाद देवपाल की बात, जो कि शासक आए, राजा आए, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो देखो गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त किया था महमूद गजनवी ने। गुर्जर प्रतिहार जो वंश था वो किसने समाप्त किया था? महमूद गजनवी। अब पाल वंश किसने समाप्त किया? बख्तियार। बख्तियार
खेल दिए। बख्तियार का उसने पालवंश को समाप्त कर दिया, बख्तियार खिलजी ने पालवंश को समाप्त कर दिया। तो ये तीन राजाएं अपने पास पालवंश में, पालवंश का शासन था बंगाल दिया, गोपाल प्रथम शासक आता है पालवंश की स्थापना कौन करता है 750 में गोपाल करता है, जिसने 70 तक शासन किया, 20 वर्ष तक शासन किया। गोपाल को राजा किसने बनाया, जनता ने इसको राजा बनाया। इसके बाद इसका पुत्र आता है धर्मपाल, ये पालवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। 770 से 810 तक इसने क्या किया, शासन किया, कितने वर्ष किया 40 वर्ष किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल के बाद आता है देवपाल, देवपाल ने किस पर अधिकार कर लिया, उड़ीसा आश्रम को भी अपने राज्यों में मिला लिया। और इसके बाद जो भी शासक हुए पालवंश के वो इतने शक्तिशाली नहीं थे, राज्य करने के अयोग्य थे, इसलिए बख्तियार खिलजी ने पालवंश को समाप्त कर दिया। अब पालवंश किस धर्म, कौन सा धर्म अपनाया है इन्होंने, बौद्ध धर्म, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। पहले क्या थे, ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो क्वेश्चन आता है कि पालवंश ने के राजाओं ने कौन से धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया तो इन्होंने बौद्ध विहार भी बनाए, बौद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है, तो इन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया। एक बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा भी विश्वविद्यालय था, नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना उसने की थी, गुप्त वंश का राजा था कुमारगुप्त ने तो इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, परंतु बाद में भी नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण किसने दिया था, पालवंश के राजाओं ने दिया था, उनका सुधार देख रेख कार्य का कार्य किया था। तो ये आपके हैं पालवंश। हमने आज गुर्जर प्रतिहार वंश को भी समझा और पालवंश के बारे में भी अध्ययन किया। अब इसके बाद आएगा अपने पास राष्ट्रकूट, कौन सा वंश बचा, राष्ट्रकूट। तीनों वंश किसको लेकर बार बार आक्रमण करें एक दूसरे के ऊपर, कनौज को लेकर, क्योंकि कनौज उस समय संपन्न था, धन संपन्न उपजाऊ क्षेत्र था, गंगा के मैदान में स्थित है, इसलिए उपजाऊ क्षेत्र को लेकर सभी राजाओं का उसकी ओर ध्यान है, इसलिए इन्होंने 100 वर्ष तक संघर्ष किया था।